हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सेफ्टी साइड विजिट में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ आज मैं। टॉपिक है हमारा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो आज उसके बारे में सब बताने वाला हूँ कि कैसे उसका प्रोसीजर रहता है, क्यों करते हैं, वो सब मैं आज आपको बताऊँगा। फ्रेशर हो गए हमारे या स्टूडेंट है या कोई साइड इंजीनियर है, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये फील्ड पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका मैं प्रोसीजर बता देता हूँ, पहले क्या करना है। जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर बताता जाऊंगा वो आपको फॉलो करना है और लास्ट में इसका मैं फॉर्मेट भरूंगा और जिसको वो फॉर्मेट चाहिए होगा तो वो मेरे को मैसेज कर देगा, मैं उसको दे दूंगा। तो ये है क्या, मतलब जो आपको मेन चीज़ क्या है मैं बताने वाला हूँ आज, कि ये काफ़ी सिंपल प्रोसीजर से मैं बताऊँगा आपको कि ईज़िली आप कभी भी ये प्रोसीजर नहीं बोलोगे, क्योंकि मतलब इसका मैंने डायरेक्ट एक फॉर्मेट बनाया जिसमें आप वैल्यू पुट करोगे, जो आपको वैल्यू दिखेगी तो वो ईज़िली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ट्रे सामने देख रहे हो उसमें हमारा 100 mm का होल होता है, तो उसी में से आपको सॉइल एक्सपेक्ट करनी है, मतलब जिस सैंड का आपको टेस्ट करना है वहाँ उसको फिट कर लेना है ट्रे को। वो ट्रे को ऐसा फिट करना है कि वो हिले नहीं। जब एक बार फिट हो गई तो उसको उसमें से सॉइल एक्सक्वेट करनी है और वो जो सॉइल निकालोगे वो इधर उधर गिरनी चाहिए और उसकी मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 150 mm, मतलब 150 mm आपको सॉइल उसमें निकाल लेनी है। तो यही हमारा पहला स्टेप रहता है जो प्रोसीजर का। मेन क्या होता है, चेक क्या करते हैं हम, ये टेस्ट का मकसद क्या करने का, कि उसकी ड्राई डेंसिटी चेक करते हैं कि वो आपने जो कंपैक्शन की हुई है वो प्रॉपर वे से हुई है नहीं हुई है। मेन जो क्वालिटी का पॉइंट आता है, मतलब फिलिंग, बैक फिलिंग हो गई या किसी चीज़ के आप कंपैक्शन टेस्ट कर रहे हो, फिलिंग के दौरान 200 से 300 mm की लेयर के साथ आपको अच्छे से कॉम्पैक्ट करके फिर ये टेस्ट करना चाहिए और जो मिनिमम रहती है 95% उसका रिज़ल्ट आना चाहिए। अभी मैं प्रोसीजर बताता जाता हूँ साथ साथ में आपको। देखो, एक्सक्वेट कर रहे हैं हम साथ साथ में, तो हमारा 150 mm एक्सक्वेट हो चुका है और जो ये सॉइल होगी ये आगे काम आने वाली है। ये हो गया हमारा 150 mm, इसको अच्छे से कर लेना है। जब एक बार मतलब ये एक्सक्वेट हो गई, इसको सॉइल को आपको आराम से उसमें बकेट में डाल लेना है, क्योंकि इसका जो हमारे बाद में वेट भी करना है। जब एक बार ये हो जाए उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो जिस पैन को हमने, क्योंकि हमें सॉइल का वेट चाहिए तो हम पैन का वेट निकाल लेंगे, कितना आया 0.500 ग्राम, तो ये कर लेंगे, 500 ग्राम आ गया हमारा। तो इसमें जो हम सॉइल वेट करेंगे उसमें से हम पैन को माइनस कर लेंगे तो हमारे सॉइल का वेट मिल जाएगा। ये फॉर्मेट में मैं वैल्यू सब भरूंगा, तो आप नोट भी कर सकते हो या एक बार देख के दोबारा कर सकते हो। तो हमारी वैल्यू आई 2.286 और ये मैं फॉर्मेट, इतना इजी फॉर्मेट है, जो वैल्यूज जैसे मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ वही वैल्यू आपको सीधी उस फॉर्मेट में डाल दोगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। वो आपको फॉर्मेट चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। वो ये आ गया हमारा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहता है, जो मतलब सिलेंडर देख रहे हो आप, इस सिलेंडर को सैंड इसमें फिल कर देनी है और जो इसमें सैंड रहती है वो यूज़ करनी है आपकी, जो 1 mm की सीव रहती है उसमें से पास हो जाए और रिटेन हो जाए 600 μm की, और यही सॉइल प्लास्टर के लिए सबसे अच्छी होती है, वो सॉइल इसमें आपको यूज़ करनी है। इस सिलेंडर को पूरा फिल कर देना है, ऊपर से 10 mm जितना खाली कर देना है और वेट कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसी सिलेंडर को लेके वहाँ जहाँ आपने होल किया होगा उसके ऊपर, मतलब उसको जो प्लेट होल होगा होल के ऊपर इसको रख देना है और ये होता है एडजस्टेबल, मतलब नीचे इसको देखो एक वो टाई सी लगा होगा, इसको हिलाओगे तो ये एक नीचे होल होता है, वो सॉइल उसमें होल में गिरने लग पड़ेगी। यही मकसद है हमारा उसमें करने का और इसी से हमें पता चलेगा उसकी ड्राई डेंसिटी। देखो, जैसे ही मैंने वो खोला नीचे जो होल था वो फिल होने लगा धीरे धीरे। इसको तब तक मतलब रखे रहना है जब तक वो आपका होल होगा वो फील ना हो जाए। तो इसको मतलब कंटिन्यू तब तक रखना है तब तक वो अच्छे से फील ना हो जाए। तो देखो हमारा हाफ हो गया अभी, तो ये कंटिन्यू इसको करते रहना है प्रोसेस आपको। अभी एक बार हो जाए तो इसको अच्छे से हिला के मतलब कर लेना है कि जो सॉइल बाकी होगी वो अच्छे से नीचे पड़ जाएगी। जैसे ही मतलब एक बार सॉइल रुकना गिरना बंद हो गई उसके बाद इसको हम हटा लेंगे और जो सॉइल बची पड़ी रहेगी इसमें पैन में ये उठा के उसमें डाल देंगे और उसको लेवल कर लेंगे। जब ये एक बार हो जाए उसके बाद क्या करना है, यही सिलेंडर आपको जो सॉइल निकाला हुआ है इसका आपको लैब में जाके वेट कर लेना है कि आपको इसका कितना वेट मिलता है। मिश्रा जी, हो गई बात।
और इस वेट को नोट करके रखना, क्योंकि यह हमारा आगे फॉर्मेट में काम आएगा। मैं एक बार आपको भर के भी दिखाऊंगा और इजली आप ये फॉर्मेट में जैसे ही जो जो वैल्यू आपको जिस स्टेप से मैं बता रहा हूँ वो पुट करोगे, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट रहता है मेन, जो उसमें क्या रहता है, क्या करना है आपको, उसका हम मॉइस्चर टेस्ट करेंगे सॉइल का, कि कितना उसका सैंपल का मॉइस्चर है उसमें। तो उसके लिए पहले हम उसका वेट कर लेंगे जितना सैंपल हमें चाहिए। आप प्रोसीजर देखते जाओगे तो आपको इससे ही समझ आ जाएगा कि हमारा क्या रहता है। ये बैलेंस सेट होता है, मतलब इसमें जैसे ही सॉइल जितना हमें सैंपल चाहिए होता है उतना डालेंगे, वो बैलेंस अपने आप दे देगा, उतना सॉइल के आप मॉइस्चर चेक कर लोगे तो उससे आपको वैल्यू मिल जाएगी। और वैल्यू ये हमारी वेरी करती है, मतलब 6 से 7% या 8%, जो भी आपकी वैल्यू रहेगी वो सही है। और इसका अगर आपको IS कोड चाहिए तो आप हमारी जो हमारी वेबसाइट है civilsitevisit.com पे, उधर जा सकते हो। सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट का पूरा उसमें PDF आपको मिल जाएगा, आप इजीली पढ़ सकते हो। ये हमने सैंपल ले लिया जितना सा हमारा सैंपल यूज़ करता था, ये वेइंग स्केल ने बता दिया हमें कि इतना सैंपल हमें इसके लिए यूज करना है। ये मॉइस्चर डेंसिटी मतलब मॉइस्चर क्यों चेक कर रहे हैं, ये हमारा जो उसमें जो फॉर्मेट रहता है जिसका मतलब चेक करने का प्रोसीजर रहता है, उसमें हमें इसका मॉइस्चर सैंड के मॉइस्चर का ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए हम ये करते हैं। इस पर मेरी एक पहले वीडियो भी है पूरा कि हम कैसे उसको चेक करते हैं। एक बार ये निकाल दें, एक चैम्बर सा होता है ये सामने आप देख रहे हो जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, मैं एक बार दिखा देता हूँ है क्या चीज़ है। ये देखो सामने हमारा रैपिड मॉइस्चर मीटर पर 50%, मतलब 50% तक ये दिखा सकता है। इसमें पूरा हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड के साथ सॉइल को डालेंगे और इसको अच्छे से शेक करेंगे और इसमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें बताएगी कि इतना परसेंट इसमें मॉइस्चर है। तो ये सामने आप देख रहे हो, अभी मैं इसका दिखा भी देता हूँ कैसे हम करते हैं टेस्ट का, मतलब इसका निकालते कैसे हैं। जो हमारा सैंपल था उसको हम इसमें डाल देंगे, उसके बाद इसमें दो बॉल्स ही आती हैं, बॉल डाल देनी है और इसमें डालना है हमें आधा चम्मच कैल्शियम कार्बाइड। एक कैल्शियम कार्बाइड डाल दिया, उसके बाद क्या करना, तो इसको अच्छे से टाई कर लेना है। और इसको अच्छे से शेक करते जाना है आपने। मतलब तो कोई 30 से 1 मिनट तक आपको इसको अच्छे से शेक करोगे, आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा कि कितना हमारा रिज़ल्ट आता है। मैं दिखा देता हूँ, हमें वैल्यू मिल रही है 7, मतलब 7% हमारा मॉइस्चर इसमें दिखा रहा है। तो ये था मतलब हमारा क्या क्या स्टेप रहते हैं, स्टेप पता चल गया। अभी मैं बताता हूँ जो जो हमारे पीछे स्टेप हुए उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको सीधी फॉर्मेट में पुट कर देनी है और आपको डायरेक्ट उसका आंसर मिल जाएगा। सामने आप फॉर्मेट देख रहे हो जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारी वैल्यूज रहेंगी सीधी आपको उसमें पुट कर देनी है। तो सबसे पहले क्या था हमारा, वेट ऑफ सैंड इन पोरिंग सिलेंडर बिफोर पोरिंग, मतलब जो सिलेंडर था उसमें जो हमने सैंड भरी हुई थी उसका वेट कर लेना है, वो आपको मिल जाएगा जो मैंने जैसे दिखाया। वेट ऑफ सैंड मतलब जब हमने जो सिलेंडर को साइड पर लेके खाली कर दिया वो वेट भी आपके पास होगा, वो डाल देना है। फिर नेक्स्ट क्या है, वेट ऑफ सैंड इन पोर्ड इनटू द होल प्लस कोन, मतलब दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। पूरा फॉर्मेट पूरा डिज़ाइन किया है जैसे मैंने बताया वैसे आप साइड को पे करोगे, एक्सेल शीट इसकी मैं दे दूंगा, सीधी पुट करते जाओगे नेक्स्ट वैल्यू आपके अपने आप आती जाएंगी। तो ये हो गया। थर्ड है हमारा वेट ऑफ सैंड इन पोर्ड इनटू द होल, तो वो कितनी है, जो हमारा C3 आया होगा मतलब थर्ड वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देना 0.366 से। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये बनाया गया है पूरा फॉर्मेट, तो आपकी ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर क्या करना है, वेट ऑफ सॉइल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द होल, जो हमने सॉइल स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में खोदी हुई थी उसकी आप वेट इसमें लिख देना है। पैन देखो जैसे पैन था उसमें से मैंने माइनस करके ये लिख दिया जो वैल्यू आई थी। नेक्स्ट है क्या है, वॉल्यूम ऑफ सैंड पोर्ड इनटू द होल, तो जो सैंड हमने उसमें डाली थी होल में जब हमने जो सिलेंडर था उसके ऊपर होल के ऊपर रखा था वो कैसे निकलेगा हमारा, C4 क्या है हमारा, ये जो वैल्यू आई होगी उसको डिवाइड कर देना 1386 से, तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या है 1386 क्या है, 0.366 क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू लगा लो, ये ड्राई डेंसिटी ये जो हमने लैब से ली होगी, देखो DLB
अप्स एंड ये मतलब 1690 ये वेरी करती है स्टेट के हिसाब से, कैसी ड्राई सॉइल है, कैसी है उसकी डेंसिटी, वेरी करती है। और ये जो MDD होगा जो, ये लैब से आपको मिल जाएगी, जहाँ से आपको टेस्ट मतलब अगर उस एरिया का जहाँ जो भी है वहाँ से आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप यही यूज़ कर सकते हो, अगर मतलब आपका प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट कर रहे हो या मतलब इतना वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये आप वैल्यू यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल, तो वो कैसे निकलेगी, C5 ये वैल्यू जो आई होगी डिवाइड बाय C6, C6 ये वैल्यू होगी, तो ये निकल जाएगी। फिर मॉइस्चर ऑफ सॉइल, जो हमने मॉइस्चर किया जो चैम्बर था उसको हिला के, हमारी कितनी आएगी, 7 वैल्यू आई थी, तो 7 यहाँ पुट कर दोगे। मैं क्यों पुट करके नहीं बता रहा हूँ, मतलब अभी टाइम वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप इजिली इसको मैं फॉर्मेट दे दूँगा, आप इजिली बैठ के पुट कर सकते हो उसमें। ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल कैसे निकलेगी, C7 ये आया होगा, C7 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस C8, C8 यहाँ से मिल जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी। फिर आएगी डिग्री ऑफ कम्पैक्शन, सीधी डायरेक्ट आपकी निकल जाएगी, C9 मिला होगा इंटू 100 डिवाइड बाई जो हमारी MDD होगी, ये आप उसमें पुट करोगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपकी कितनी परसेंट वो आ रही है, 85 आ रही है, 70 आ रही है, 95 आ रही है, मिनिमम आपको 95 नीडेड होते हैं, अच्छी कंपैक्शन हुई होगी तो उसकी 95 अपने आप आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट का मतलब पूरा सॉइल कंपैक्शन टेस्ट रिपोर्ट कैसे रहती है, वो सब मैंने आज आपको बताया। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो भी आपको आता है इसमें नहीं समझ आता है आप कमेंट करो, मैं आपको अच्छे से उसका जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू।